नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका india.com में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देंगे जो अक्सर लोगों को परेशान कर देता है। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में कौन से फोटो या चित्र लगा सकते हैं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने घर में देवी देवताओं की फोटो या चित्र जो है अपने बेडरूम में लगा लेते हैं। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना। देखिए, सभी देवी देवताओं का अपना एक स्थान होता है, उन्हें अपने स्थान पर ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप अपने बेडरूम में शयन कक्ष में किसी भी हिंसक वायलेंट किसी भी एनिमल की फोटो भूलकर भी ना लगाएं, वरना आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसी के साथ ही बहते हुए पानी का चित्र भी कुछ लोग लगा लेते हैं। ऐसी गलती आपको भूलकर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ यदि आप संतान के इच्छुक हैं और आपको संतान उत्पत्ति में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के ठाकुर जी के लड्डू गोपाल का एक चित्र, वो भी छोटा सा एक चित्र, आप अपने शयन कक्ष में लगा सकते हैं। वरना ऐसा ना हो कि आप ये आधुनिकता की दौड़ में पढ़कर कुछ इस तरीके के चित्र या फोटो अपने बेडरूम में लगाएं कि आपका दाम्पत्य जीवन एकदम से कलह कलेश से भर जाए। ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हो सके तो कोई सुंदर सीनरी जिसमें कोई पानी ना हो, ऐसा कोई चित्र जो है आप अपने शयन कक्ष में लगा सकते हैं। फिर किसी नई वीडियो को लेकर हम यानी कि india.com के माध्यम से आपके समक्ष आएंगे और एक नई आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।